ये ले, इस बैग में अपना सारा सामान पैक कर ले, कल तुझे हमारे साथ ऋषिकेश चलना है। तुझे पता है ना बीजी का ख्याल तुझे रखना है, बड़ी बीजी की तबीयत तो हमेशा खराब रहती है, और तेरी चाची उनका कमर का दर्द हमेशा की तरह, गप्पू भी तेरे बगैर बहुत परेशान है। चल जल्दी से अपना सामान पैक कर, ठीक है? मानवी क्या हो गया बेटा? चाचू क्या हुआ बेटा? मैं जानती हूँ मेरा ऋषिकेश जाना क्यों जरूरी है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है चाचू। जीओ मामी नहीं आई अभी तक? नहीं चाचू, लेकिन मेरी उनसे फोन पे बात हुई है, वो आते ही होंगे। ये लड़की भी ना, आज देखना मैं उसे बहुत डांटने वाली हूँ चाचू। आपको, मुझको, बीजी को, पूरे घर को अपने सर पे उठा के रख दिया इस लड़की ने, बचपने की भी हद होती। अब क्या हो गया एफएम जी? ये एफएम क्या है चाचू? वो वीरेन जी ने मेरे लिए एक नया नाम रखा है, एफएम। कहते मैं बहुत फिकर करती हूँ, फिकर मिनिस्टर। अब चाचू आप ही बताओ क्या गलत कह रहा हूँ मैं? हर बात के लिए तो फिकर करती है। जैसे इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए होता है ना, उसी हिसाब से हमारी जीविका को जीने के लिए फिक्र की जरूरत होती है। एनीवेज क्या फिक्र है अभी? और किस बात की? मानवी की। पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई, घर से तूफान मेल की तरह भाग गई और अपने पीछे बीजी को भी दौड़ा दी। बीजी की उम्र तो देखो, और उनको तकलीफ भी तो हो रही है पैरों में। आने दो उस लड़की को, बहुत क्लास लूंगी आज मैं। जीविका देखो, मानवी को तुम चाहे जो कह लो, उसने जीना तो अपने ही स्टाइल से, वो करेगी जो उसका दिल कहता है। और एफएम जी, जो लड़की अपनी जिंदगी इतनी बेफिक्र होके जीती है, उसकी फिक्र करना बंद कर दो। आज तक कोई सूरज की किरणों को अपनी हथेली में कर सके नहीं ना, तो खुल के जीने दो उसे। हम तो खुल के जीने के लिए छोड़ देंगे मानवी को, पर जिंदगी भी तो ऐसा चाहे। जिंदगी ऐसा चाहे तो चाचू भला जिंदगी को मानवी से क्या दुश्मनी? चाचू आप क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई बात याद आ गई थी कि जिंदगी में सब कुछ मिलता तो है नहीं। खैर छोड़ो, बीजी मनु का। बीजी चलिए, आप बहुत थक गई होंगे ना, चलिए। तुझे अकल है कि नहीं? बीजी बीमार है, वो यहाँ इलाज के लिए आई है और तू उन्हें अपने पीछे दौड़ा रही है। मानवी क्या हो गया तुझे? मानवी तुझे बीजी की फिक्र नहीं है क्या? तू दौड़ सकती है, तुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बीजी, बीजी बीमार है। मनु उनकी तबीयत बिगड़ जाती तो इसकी जिम्मेदार तू होती। रहने दे, मैंने मानवी को सब कुछ समझा दिया है। दी सॉरी,
पीजिए, आपको भी। चलो अब बीजी घर आ गई, मानी ने माफी मांग ली, अब तो सब ठीक है। बीजी आप आराम करिए, मैं आता हूं। मैं मानवी बेटा चल अपने कमरे में चल। अरे मानवी, जीविका प्रसाद ले लो, ये लीजिए बेटा, तुम भी लो बेटा, खुश रहो, भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे, 100 साल जियो तुम दोनों। साल जीना भी कोई जीना होता है क्या? सुन के पहाड़ जैसा लगता है। इतना हैवी आशीर्वाद मत दो आंटी। वैसे अगर आपने आशीर्वाद दे दिया है तो मेरे अकाउंट में जो भी बची कुछ उम्र है ना, वो आप मेरी दी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मनु तू भी ना कुछ भी बोलती रहती, मन करे गोंद लेके ना तेरा मुंह चिपका दूं, अपनी सांसें मुझे देगी। बहुत टाइम से तुझे पीटा नहीं है, अब चल पीटती हूँ तुझे। एक और बार ऐसे बोला ना। मनु छोटों की उम्र बड़ों को नहीं लगती, बड़ों की उम्र छोटों को लगती, समझी? मनु क्या हुआ, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? बोल मुझे क्या हुआ? मुझे क्या होगा दी, टीचर गिरी छोड़ दिया क्या कि आप फेस रीडिंग पे आ गई हो? क्या होगा मुझे? ये ले, इस बैग में अपना सारा सामान पैक कर ले, कल तुझे हमारे साथ ऋषिकेश चलना है। तुझे पता है ना बीजी का ख्याल तुझे रखना है, बड़ी बीजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है और तेरी चाची उनका कमर का दर्द हमेशा की तरह, गप्पू भी तेरे बगैर बहुत परेशान है। चल जल्दी से अपना सामान पैक कर, ठीक है? मानवी क्या हो गया बेटा? चाचू क्या हुआ बेटा? मैं जानती हूं मेरा ऋषिकेश जाना क्यों जरूरी है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है चाचू।
आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप मानवी के चाचू होकर रो कैसे सकते हैं? हाँ, फालतू में मानवी की बदनामी हो जाएगी चाचू। देखिए ना, अब इन सारी चीजों पे हमारा बस थोड़ी ना चलता है, बाकी सब तो भगवान जी के हाथ में। अब उन्होंने इतनी टेंशन दिया तो हम सारी टेंशन उन्हें वापस दे देते। हम क्यों टेंशन ले यार, हम क्यों आंसू बहाएं? जो करने उन्हें करने दो, सारी टेंशन उनके अकाउंट। हम तो खुल के हंसेंगे, बिंदास जिएंगे। रिश्ता।